अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सीरा। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान अड्डा उसमें मेन जी डी रोड गुजरांवाला पे। एड्रेस आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। और आज आपके लिए एक वॉकग्राउंड वीडियो लेकर आया हूँ रॉयल प्रिंस की 70cc, जो पैशन है। एक पैशन प्लस होती है और एक सिंपल पैशन है। और पैशन जो है इनकी सस्ती वाली है, पैशन प्लस महंगी वाली है। जो सस्ती वाली मतलब इनका जो बेस वेरियंट आप इसको कह सकते हैं। आज की वीडियो में आपको इसका वॉकग्राउंड प्रोवाइड करूँगा, दिखाऊंगा बाइक किस तरह की, इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूँगा चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है रोड प्रिंस RP70 पैशन, और 2023 मॉडल है आपके सामने। इसमें स्पीकर तो चेंज किया गया ही है, बाकी क्वालिटी के बारे में भी देखेंगे कि अब इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, साथ साथ आपको बताना चलूँगा। अच्छा, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान अड्डा उसमें, और आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी यहाँ पर वैरायटी होती है बाइक्स की, और आलमोस्ट आपको हर ब्रांड की यहाँ से बाइक मिल जाएगी आप देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर बाइक्स अवेलेबल होती हैं। तो लोकेशन आपको बताता चलो, मेन जीडी रोड गुजरांवाला नज़रुद्दीन प्लाजा, ये जो गुजरांवाला का जो पुल है, डिंगा फाटक भी आप इसको कह सकते हैं, डी पॉइंट है, डी पॉइंट के बिल्कुल आलमोस्ट आप ऑपोजिट कह सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके ग्राफिक्स की एक झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बाद में डिटेल के साथ आपको दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के इसके ग्राफिक्स। अगर हम बात करें इसकी फ्रंट साइड की, तो आप देख सकते हैं इसका मीटर, इसके मीटर की जो क्वालिटी है, इसके ऊपर लैमिनेशन हुई हुई है। कोशिश करता हूँ आपको आइडिया लगा के बता दूँ, मुझे अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी जो है ना, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जो यूनाइटेड है ना उससे मुझे बेहतर लग रही है। अगर हम बात करते हैं इसकी लाइट की, तो इसका जो फ्रंट जो रिंग है और इसका जो फ्रंट जो ग्लास है, इसकी जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। इसके अंदर स्टैनले आप देख सकते हैं मैंशन है, और इसके अलावा सिंगल इसके अंदर बल्ब है। और अगर हम प्लास्टिक की बात कर लें, तो प्लास्टिक तो ठीक है, लेकिन इसकी फिटिंग जो है ना वो नहीं ठीक। आप देख सकते हैं इसके बीच में आपको गैप नज़र आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे 70 में मुझे इस दफ़ा नज़र आया था, यहाँ आई थिंक 125 में। बाकी क्वालिटी अगर बात करें तो ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी क्वालिटी आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा आपको दिखा देते हैं इसके इंडिकेटर्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं और क्वालिटी वाइज ठीक है। हैलोजन बल्ब इसमें डेफिनेटली यूज़ किया गया होगा। आप देख सकते हैं इसका हॉर्न, और इसके अलावा इसका जो एम्बलम है ना, ये मैंने अक्सर बाइक्स का देखा है टूट जाता है। उसके रीज़न ये है कि उसकी क्वालिटी जो है ना, ये जो पतरी लगी होती है वो काफ़ी हल्की क्वालिटी की होती है, जिसकी वजह से अक्सर बाइक्स का ये टूटा होता है। तो हम फ्रंट शॉक्स की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके जो शॉक्स है ना, इसकी क्वालिटी जो है ना ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आप कह सकते, लेकिन अच्छी है। आपको इस रेंज में यही आपको शॉक्स मिलते हैं। अदरवाइज मेट्रो की बात करें, मेट्रो में आपको थोड़े से बेहतर शॉक्स मिल जाते हैं। तो ये इसके शॉक्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट मडगार्ड है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसकी जो क्वालिटी है ना वो ठीक है, मुझे अच्छी क्वालिटी लगी। इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है, और आई थिंक इसकी फिनिशिंग और इसकी जो क्वालिटी है ना, यूनाइटेड से बेहतर है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी हब की, तो आप देख सकते हैं इसकी हब की जो क्वालिटी है ना वो भी ठीक है, क्रोम्ड है, मतलब शाइनी है थोड़ा सा। अगर हम बात करें होंडा सिटी 70 की, उसके अंदर आपको जो मैट कलर है ना, उसके ऊपर जो मैट पेंट है ना वो आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं शाइनी इसकी हब है, तो क्वालिटी वाइज ठीक है। अगर हम इसके स्पोक्स की बात करें, तो स्पोक्स की जो क्वालिटी है ना वो भी ठीक है, मुनासिब है, मतलब अच्छी क्वालिटी आप इसको कह सकते हैं, हल्की नहीं कह सकते। तो अगर हम बात करें रिम की, तो अब रिम की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, रिम की क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। तो होंडा सिटी 70 के लेवल की तो नहीं है, बट फिर भी अच्छी है। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं आपको 4-ply का फ्रंट टायर मिलता है, और सर्विस का टायर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, जो कि सर मेरे पास है, और साइज़ डेफिनेटली वही होगा होंडा सिटी 70 वाला, 2.25x17 का इसका फ्रंट टायर है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके साइड पे, तो आप साइड पे आप देख सकते हैं इसके इंजन की बात करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं इसके जो इंजन की क्वालिटी है ना वो भी ठीक है, अच्छा है। चीज़ नोटिस करेंगे आपके यहाँ पर इसका लिखा हुआ है 78 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसके अंदर आपको सिलेंडर जो है ना वो मिलता है एलुमिनियम का, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी ठीक है, एवरेज है। और आप हेड यूनिट की बात करें तो ठीक है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी क्वालिटी है डेफिनेटली। प्राइस भी इसकी कम है, होंडा सिटी 70 7 लाख की हो गई तकरीबन। कार्बोरेटर की बात करें, तो कार्बोरेटर की जो क्वालिटी है ना वो भी ठीक है, अगर मेट्रो वगैरह से कंपेयर करें तो ठीक है, उनके लेवल की आप इसको कह सकते हैं, मेट्रो यूनाइटेड के मिलती जुलती है तकरीबन। उसके बाद इसके इंजन कवर की बात करें, जिसको इंजन टापा कहते हैं, उसकी क्वालिटी, पेंट की, इसकी जो फिनिशिंग है, ये पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अच्छी है। इसकी जो एम्बोज्ड प्रिंटिंग है ना वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके चैन कवर की, आप देख सकते हैं चैन कवर की जो पेंट की क्वालिटी है ना वो भी ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छा इसमें पेंट यूज़ किया गया है, और ओवरऑल इसकी जो फिनिशिंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी।
अगर हम बात कर लें रेयर शॉक्स की तो आप देख सकते हैं इसके हमें 5-स्टेप एडजस्टेबल रेयर शॉक्स मिलते हैं जो कि स्प्रिंग वाले शॉक्स हैं, होंडा सिटी 70 की तरह के नहीं हैं। तो अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी आप देख सकते हैं, पेंट की क्वालिटी तो ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, बाकी ओवरऑल मतलब ठीक है, अच्छी क्वालिटी है इसकी, आप अच्छी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो आप बैक साइड इसकी देख सकते हैं, इसकी रोड पिंस की आई थिंक अपनी बनाई हुई राइड है, इसकी वजह से इन्होंने ऊपर रोड पिंस का लोगो भी लगाया, स्टिकर भी लगाया हुआ है। हाइड्रोजन बल्ब भी इसका हमें डेफिनेटली हमें मिलता है। और क्वालिटी की बात करें तो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी जो है ना वो मुझे अच्छी लगी है, मतलब आप कह सकते हैं कि मुझे मेट्रो यूनाइटेड की निस्बत इसकी क्वालिटी जो है ना कुछ बेहतर लगी है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके नीचे आप देख सकते हैं प्लास्टिक का यूज़ हमें मिलता है, जिस तरह होंडा सिटी 70 में ये अपग्रेड किया गया है। इसको टर्न इंडिकेटर्स मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। मरगार्ड की बात कर लें अगर हम इसके, तो इसके जो मरगार्ड है ना रेयर जो इसका मरगार्ड है उसकी भी क्वालिटी जो है ना ठीक है, अच्छी क्वालिटी मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके जो रेयर हब है, रेयर हब की जो क्वालिटी है ना वो भी ठीक है, और शाइनी आपको इसकी रेयर हब मिलती है, क्वालिटी वाइज भी जो हब है ना ठीक है। अगर स्पोक्स की बात करें तो इसका जो स्पोक्स है ना वो भी ठीक है, लेकिन आई थिंक जो यूनाइटेड है ना उसके जो यूनाइटेड मेट्रो और रोडविंस में से अगर हम बात करें तो आई थिंक सबसे अच्छे जो स्पोक्स है ना हमें मिलते हैं यूनाइटेड, तो इसके भी स्पोक्स ठीक हैं, गुजारा करेंगे, मतलब अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली उसके बेहतर है। रेयर अगर हम टायर की बात करें तो आपको 4-ply का यहाँ पर टायर मिलते हैं, तो होंडा में भी आपको 4-ply मिलता है, इसमें भी आपको 4-ply मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एग्जॉस्ट की, मफर एग्जॉस्ट की, इसके सलेंसर की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। उसके बाद इंजन के राइट साइड की बात करें, इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेम कलर का पेंट मिलता है, अदरवाइज़ दूसरी कंपनीज की बात करें यहाँ पे डिफरेंट होता है, तो ये एक चीज़ मुझे डिफरेंट है इस दफ़ा देखने को मिली। इसके अलावा रोड प्रिंस की जो ब्रांडिंग है ना, जो इम्बोज्ड है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ओवरऑल इसकी जो फिनिशिंग है ना वो भी अच्छी है, ठीक है, पेंट की क्वालिटी जो है वो भी ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल गेज है ना वो आपको मिलती है क्रोम में। इसके अलावा अब इंजन के इस साइड की अगर हम बात करें हेड यूनिट की, तो इसकी भी क्वालिटी जो है ना वो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आप इसको कह सकते। और यहाँ पे आपको कोई इसकी जो सिलेंडर की कोई रेटिंग शेटिंग नहीं मिलती, दूसरी साइड पे मेंशन है 78 क्यूबिक सेंटीमीटर। और ओवरऑल कार्बोरेटर की अब जो क्वालिटी है ना वो भी आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ग्राफिक्स की तरफ, तो आप देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स किस तरह के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लुक देख सकते हैं, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको किस तरह के लगे, इसकी शेप अच्छी लगी या फिर ग्राफिक्स ही नहीं, कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा या फिर नहीं अच्छा लगा। तो बाकी आप इसकी क्वालिटी की अगर बात करें ना, तो इसकी जो क्वालिटी है ना ग्राफिक्स की वो अच्छी है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं ये कहूँगा कि इसकी क्वालिटी और यूनाइटेड की क्वालिटी आपको सेम ही मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें मेट्रो की तो मेट्रो की क्वालिटी इससे काफ़ी बेहतर है। तो अगर आप बात करें इसके एम्बलम की, तो रोडविंस का एम्बलम है यहाँ पर, जो फिनिशिंग के हिसाब से ठीक है, बट आई थिंक इसका जो कलर है ना शायद वाली बात है ये उतर जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी तक के लिए ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। साइड कवर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैशन मेंशन है, पैशन प्लस नहीं है ये, RP70 मेंशन है, और इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी आप देख सकते हैं अच्छी है। अब पेंट क्वालिटी की बात कर लें तो आपको मैं पेंट दिखाता चलूँ, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको पेंट जो है ना वो अच्छा मिलता है। अगर हम बात करें यूनाइटेड के, यूनाइटेड का जो पेंट है ना वो मुझे काफ़ी लो मिला, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर पेंट क्वालिटी की बात करें आप फर्स्ट नंबर देंगे मेट्रो को, सेकंड इसको, और थर्ड यूनाइटेड को। अगर हम मीटर की बात कर लें तो मीटर देख सकते हैं, इसका मीटर की जो क्वालिटी है ना वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और आई थिंक इसका यूनाइटेड मेट्रो और ओरप्रिंस में से सबसे अच्छा शायद मीटर इसी का हो। इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। इसके अंदर आपको लाइट भी मिलती है इसकी स्क्रीन के अंदर, इसकी जो सुई है उसके अंदर। अगर हम बात करें इसकी ग्रिप्स की, तो आप ग्रिप्स की क्वालिटी देख सकते हैं अच्छी है, तो ओवरऑल मतलब ठीक है, अच्छी है, एवरेज आप इसको कह सकते हैं। और आप ब्रेक और इसके थ्रॉटल की क्वालिटी की अगर बात करें वो भी ठीक है, ओके है, जो बाकी भी यूनाइटेड वगैरह उनकी भी इसी किस्म की क्वालिटी होती है। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बताता चलूँ, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तब इसकी प्राइस 81,500 रुपीज़ है, 81,500, और कोई पता नहीं रीडिंग के दौरान इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, अब इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं कर सकता। लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप पाकिस्तान ऑटोज़ पर कॉल करके आप इनसे पूछ सकते हैं, आपको नंबर मैं इनका दिखा देता हूँ, तो ये इनका नंबर मैंशन है। तो यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।